नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह का स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद फुल कैरियर AMFC पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में जनरेशन टेक्निक्स पढ़ ली थी और अब हम देखेंगे कि कैसे हम डीमॉड्यूलेट करेंगे। जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास आएगा उसको हम रिसीव करके उससे ओरिजिनल सिग्नल कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमने आसानी के लिए मैसेज सिग्नल को कोसाइन फॉर्म में ले लिया है। ये कोसाइन फॉर्म मतलब ये आगे भी ऐसे सिग्नल इसी तरीके का होगा। तो ये कॉस फॉर्म में एक हमने मैसेज सिग्नल लिया है। कैरियर सिग्नल भी कॉस फॉर्म में है लेकिन कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमें पता है बहुत हायर होती है एज कम्पेयर टू मैसेज सिग्नल, इसलिए ये देखिए वेव फॉर्म में पास पास है ये वेव फॉर्म। जब दोनों को मर्ज करते हैं तो एक मैसेज सिग्नल एक मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म मिलती है जो कि हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोज में एक्सप्लेन किया है जब हमने जनरेशन टेक्निक बताई थी आपको। तो इस तरीके का कोई सिग्नल हमें मिलेगा जिसे हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म या मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा, AC cos ओमेगा CT इंटू 1+MA cos ओमेगा MT, जहाँ पे MA क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स है जिसकी वैल्यू होती है AM/AC। AM क्या है मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड, AC क्या है कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे देखिए तीन टाइप की मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म हो सकती हैं। या तो ये वेव फॉर्म जहाँ पे कि AC की वैल्यू AM से क्या है बड़ी है, उस केस में हम देखेंगे कि जब इसका ये हमने एक्चुअल में वेव फॉर्म आपको प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आएगी AC+AM की, ये AC-AM, ये -AC+AM और ये -AC-AM। मतलब सिंपल सी बात है, आपको करना क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है 1+MA cos ओमेगा MT, इसका आपको एक एनवेलप बनाना है, उसकी एक मिरर इमेज बनाना है और मिरर इमेज के बाद cos उसके अंदर आपको cos मल्टीप्लाई कर देना है। तो cos की वेवफॉर्म आपको उसके अंदर बना देना है। ये बहुत आसान सा तरीका होता है। हालांकि ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, फिर भी यहाँ भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉस ओमेगा सीटी को अगर हम बाहर निकाल दें तो ये अंदर जाएगा AC+AM/AC MA की वैल्यू, तो उसमें AC से AC कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ AM आ जाएगा। तो AC+AM कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। तो जब ये +1 होगा तो यहाँ वैल्यू आएगी AC+AM, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है AC+AM। जब ये -1 होगी तो यहाँ पे आएगा -AM और AC होगा हमारा प्लस में, तो देखिए AC-AM ये पहले वाले एनवेलप के लिए मिनिमम वैल्यू। और उसी तरीके से तो ये फर्स्ट एनवेलप हमारा बन गया, उसी की आप मिरर इमेज बना दीजिए। हमने आपको बताया था कि अगर x sin x का आपको ग्राफ बनाना हो, एक वीडियो में बताया था, तो पहले आपको क्या करना है x का ग्राफ बना लीजिए और उसकी मिरर इमेज बना लीजिए और उसके अंदर sin x का ग्राफ बना दीजिए, या x cos x का बनाना है तो उसके अंदर cos x का बना लीजिए। सिमिलर तरीका होता है। तो अगर आपको इसका कॉस के साथ मल्टीप्लाई का ग्राफ बनाना है, मतलब किसका, कॉस ओमेगा CT और यहां पे लिखा हुआ है AC+AM कॉस ओमेगा MT, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप पहले इसका ग्राफ बना लीजिए और इसको एनवेलप मान के फिर उसकी उसकी मिरर इमेज बनाइए। तो देखिए AC+AM कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1, दैट मींस यहां पे AC+AM मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कॉस की नेगेटिव वैल्यू होगी मिनिमम, तो AC-AM जो है मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये देखिए एनवेलप में मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये, और इसी का मिरर इमेज बना दिया हमने और उसके अंदर कॉस ग्राफ को एक्सटेंड कर दिया। तो ये बन जाएगा कॉस ओमेगा CT और इंटू दिस का ग्राफ, ये ग्राफ बनाने का हमने तरीका बताया था। तो ये मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है, लेकिन ये पहली वेव फॉर्म है कब, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 हो। मतलब हम ये एज्यूम करके चलें कि AC इज ग्रेटर देन AM, मतलब कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड से अगर बड़ी है तो हम क्या देखेंगे, AC-AM की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसीलिए ये वाला पॉइंट पॉजिटिव पे है। सिमिलरली -AC+AM की वैल्यू नेगेटिव, तो ये वाला नीचे है। तो एक तो मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म ये हो सकती है। अभी हम मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं, अभी हमने एनवेलप डिटेक्टर से डिटेक्शन तो किया ही नहीं है, सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म कैसी होगी, फिर हम रिसीव करेंगे उसे एनवेलप डिटेक्टर पे। अब दूसरी बात होती है कि अगर कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड और मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होगा, AC-AM और -AC+AM ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी। तो ये जो दोनों पॉइंट के बीच में गैप दिख रहा है ये गैप खत्म हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा, ये इस तरीके की मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म दिखेगी। यहां पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है, इसे 100% मॉड्यूलेशन कहते हैं। तीसरा तरीका जो होगा उसमें क्या होगा, जब कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड से कम हो जाए, उस केस में हम देखेंगे कि जो आप देखिए -AC+AM और AC-AM की ये जो वैल्यू है, यहाँ AC बड़ा था तो AC-AM पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन अब AC क्या हो गया, यहाँ पे
छोटा हो गया, तो ए सी माइनस ए एम निगेटिव आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो नीचे चला जाएगा और ये वाला पॉइंट जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला ग्राफ नीचे को आ जाएगा और ये वाला ग्राफ इससे ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये इस टाइप का और ये इस टाइप का, इसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। तो अब ये ओवर मॉड्यूलेशन से प्रॉब्लम क्या होती है वो हम देखते हैं कि जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद फुल कैरियर सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करके भेजते हैं तो सबसे सस्ता रिसीवर जो आता है एएम में वो होता है एनवेलप डिटेक्टर, जो कि ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग मींस कि एक एंटीना से हमने ट्रांसमिट किया सिग्नल और मल्टीपल पॉइंट्स पे उसको रिसीव किया जा रहा है अलग अलग बहुत सारे एंटीना से। तो हम लोग अपने अपने रेडियो में सिग्नल को रिसीव करते हैं, एएम सुनते हैं, हम गाने सुनते हैं, तो एक कहीं पे ट्रांसमीटर से जो उनका एक जोन होगा जहाँ से वो ट्रांसमिट कर रहे होंगे सिग्नल, जो उनका जहाँ पे हम बोलते हैं कि जहाँ से रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वहाँ से जब सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो हमारे पूरे एरिया में हर एक व्यक्ति के पास जिस जिसके पास एएम रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा, इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। और चूँकि अब बहुत सारे रिसीवर रिक्वायर्ड हो रहे हैं, हर व्यक्ति को एक रिसीवर चाहिए, तो वो सस्ता होना चाहिए तभी ये जो प्रोसेस है वो आसान होगी। इसीलिए एनवेलप डिटेक्टर जो है वो सबसे सस्ता है। देखिए सिंपली डायोड कैपेसिटर और रजिस्टर लगा है, बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है इसमें। तो एनवेलप डिटेक्टर का यूज करते हैं। अब कैसे एनवेलप डिटेक्टर काम करता है और क्या इसमें डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, वो हम आपको समझाते हैं। समझिएगा, दो तरीके से समझिएगा। पहली चीज तो ये है, पहली एक थ्योरेटिकल वे में आप समझिएगा कि हमने बोला है कि यहाँ पे देखिए मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ है नॉर्मल सी बात है कम है, क्योंकि ओमेगा एम इज लेस देन ओमेगा सी। कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है या बैंडविड्थ है वो वेरी लार्ज है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो टाइप के सिग्नल, और ये एक ये डीसी सिग्नल भी आ जाएगा आपका वन, अगर ये वाला पार्ट हट गया। अभी हम देखेंगे यहाँ कैरियर सिग्नल है और यहाँ कैरियर सिग्नल इनटू मैसेज सिग्नल, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मर्ज हो रही है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट है हमारे पास, ये थ्योरेटिकल पार्ट समझा रहे हैं, फिर हम इसको मैथमेटिकली आपको समझाते हैं। देखिए ये आरसी जो है वो एक टाइप से लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा। लो पास फिल्टर की तरह जब आपका काम करेगा, क्यों लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो होता है वो 1/ωC होता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ये क्या हो जाएगा इसका रिएक्टेंस, अगर हम फ्रीक्वेंसी टेंस टू इनफाइनाइट, हायर का मतलब वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो ये लगभग शॉर्ट की तरह काम करेगा, मतलब सिग्नल रिटर्न हो जाएगा, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ये पास ही नहीं करेगा। लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो होंगे उसके लिए ये लगभग ओपन की तरह काम करेगा, क्योंकि रिएक्टेंस वेरी हाई होगा। जब ओपन होगा तो पूरा का पूरा सिग्नल जो है वो बैक ना आके सीधा आगे बढ़ जाएगा, मतलब लो पास फिल्टर की तरह काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हायर फ्रिक्वेंसी किसकी है, कैरियर सिग्नल की, तो कैरियर सिग्नल को तो ये रिटर्न बैक कर देता है। मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कैसी है, लोअर है, तो मैसेज सिग्नल को आगे भेज देता है। ये सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि एनवेलप डिटेक्टर जो है वो क्या करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को जाने देता है और हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिटर्न बैक ले आता है, लौट के ले आता है, या आप ये बोल सकते हो कि रोक देता है, आउटपुट पे नहीं पहुंचने देता है। तो हमें सिंपली मैसेज सिग्नल रिसीव हो जाता है जो हमारा मैसेज सिग्नल था इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की सहायता से। लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं, मैथमेटिकली होता क्या है कि यहाँ पे देखिए एक डायोड लगा हुआ है। डायोड जब लगा हुआ है तो कैपेसिटर, देखिए जब भी फॉरवर्ड बायस होगा डायोड तो कैपेसिटर चार्ज होगा। इनिशियली हम एज्यूम करके चलते हैं कि कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है तो इस पे वोल्टेज है जीरो। अब हम इस सिग्नल को देखते हैं, अभी फर्स्ट वेव फॉर्म की बात करते हैं, सेकेंड और थर्ड को भूल जाइए। मान लीजिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये है, तो यहाँ से जब हम चलेंगे तो कैपेसिटर, देखिए यहाँ से क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और अब देखिए वेव फॉर्म में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेव फॉर्म की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही। जब वेव फॉर्म की वैल्यू कम होगी दैट मींस डायोड के पी टर्मिनल पे इनपुट, यहाँ पे इनपुट पे क्या देना है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल देना है, और आउटपुट पे हमें जो मिलेगा वही हमारा मैसेज सिग्नल होगा। कैसे होगा, देखिए ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने इनपुट पे दी, इनिशियली हमने देखा कि डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये चार्ज होगा। जैसे ही ये चार्ज होगा, सडन चार्ज होगा, क्योंकि डायोड यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस
लगा नहीं है तो सीधा का सीधा पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो यही का यही वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा ही सिग्नल की वैल्यू कम हुई तो देखिए पी टर्मिनल पे इनपुट की वैल्यू कम हो जाएगी, जबकि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है इतना, तो उस केस में डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। जब डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा तो कैपेसिटर अब इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब कैपेसिटर अगर रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है तो डिपेंड करता है दो चीजों पे। किस चीज पे डिपेंड करता है, देखिए अगर कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो बहुत कम है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे सिग्नल नीचे आता जाएगा वैसे वैसे ये फास्टली डिस्चार्ज भी होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट अगर कम होगा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कुछ कि इस जो कैरियर सिग्नल है उसके टाइम पीरियड से इस चार्ज डिस्चार्जिंग टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा डिस्चार्जिंग टाइम हो, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक सिग्नल यहाँ से लौट के यहाँ आ गया और कैपेसिटर बहुत कम डिस्चार्ज हो पाया, पूरा डिस्चार्ज हो ही नहीं पाया, तो हम क्या देखेंगे कि कैपेसिटर लगभग एनवेलप को फॉलो कर रहा है। अब कैपेसिटर पे वोल्टेज इतना हो गया, यहाँ था इतना डिस्चार्ज हुआ, जबकि एनवेलप ऐसा था। अब हम देखेंगे कि थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए इनपुट जो है वो ज़्यादा हो गया, ये जो चल रहा है ये कैपेसिटर, ध्यान रखना ये जो चल रहा है ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, और ये जो वेव फॉर्म बनी है ये इनपुट वेव फॉर्म है। तो अब आप देखिए इनपुट वेव फॉर्म की वैल्यू हो गई ज़्यादा, तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो कैपेसिटर अब डिस्चार्ज ना होकर क्या होना स्टार्ट होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज होगा, जब यहाँ से यहाँ तक चार्ज होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब नीचे देखिए इनपुट जो है वो ये इनपुट की वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म, तो इनपुट वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो रहा है। जब इनपुट वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो रहा है और कैपेसिटर पे तो इतना ही वोल्टेज है, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जब डायोड ओपन हो जाएगा तो कैपेसिटर इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज होगा तो हम क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर की ऐसी वैल्यू रखना है कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट या डिस्चार्जिंग टाइम जो हो वो बहुत कम हो एज कंपेयर टू टाइम पीरियड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो हम क्या देखेंगे कि जब तक इनपुट लौट के यहीं का यहीं आ जाएगा तब तक कैपेसिटर बहुत स्लोली डिस्चार्ज, एक तो था कि रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती तो डिस्चार्जिंग टाइम बहुत कम हो जाता, आरसी होता है ना टाइम कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होता, बहुत जल्दी जल्दी कैपेसिटर डिस्चार्ज होता तो सीधा सीधा सिग्नल को फॉलो करता। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर की वैल्यू आप बढ़ा दीजिए, बढ़ा देंगे तो कैपेसिटर उतने फास्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तब तक इनपुट जो है वो नीचे जाके और फिर से लौट के यहां आ जाएगा। जब नीचे जाके फिर से लौट के आ जाएगा तो अब देखिए जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इनपुट की वैल्यू कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी, तो अब फिर से कैपेसिटर क्या होने लगेगा, चार्ज, और यही प्रोसेस चलती रहेगी। तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि लगभग लगभग देखिए तो हम देखते हैं कि लगभग लगभग कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली एनवलप को फॉलो कर रहा है, जैसा एनवलप था किसका, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एनवलप था वही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा और वही क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। तो इनको अप्रोक्सीमेटली अगर हम एनवलप ही बनाइए तो हमने एग्जैक्ट बना दिया, आप चाहो तो आउटपुट को कुछ इस तरीके से बना सकते हो, कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली एनवलप को फॉलो कर रहा है। अब ये ऐसा मिला है दैट मींस क्या है, देखिए इनपुट तो था जीरो से कुछ ऊपर कुछ नीचे, एएम ऊपर और एएम नीचे था हमारा इनपुट, लेकिन जो एनवलप है हमारा वो एनवलप देखिए कहां से कहां तक है, एसी माइनस एएम से एसी प्लस एएम तक, मतलब बीच में कहीं वैल्यू क्या होगी, एसी, तो यहां बीच में जो वैल्यू एसी है उससे एएम ऊपर और एएम नीचे, ये हमें एनवलप मिल गया, आउटपुट मिल गया। अब इस आउटपुट में आप देख रहे हो कुछ नहीं, बस एक शिफ्टिंग भर है कितने की, एसी की, बाकी हमारा मैसेज सिग्नल जैसा था लगभग वैसा का वैसा ही आउटपुट हमें मिल चुका है। अब अगर हम इसको किसी ऐसे फिल्टर से पास कर दें जो डीसी को ब्लॉक कर दे, प्योरली सिंपली एक कैपेसिटर से पास कर दें जो कि इस डीसी को क्या कर दे, जो डीसी क्या है,
शिफ्टिंग मतलब सिंपली क्या है, डीसी है, आपको ये एनवलप मिल गया, अब इसमें से ये डीसी वाला, ये कॉस वाला पार्ट हट गया, ये डीसी वाला कंपोनेंट भर हमें हटाना है, डीसी कंपोनेंट हटाना है तो एक कैपेसिटर से आप पास कर दीजिए, तो डीसी कंपोनेंट हट जाएगा, तो ये सिग्नल जो यहाँ पे है वो शिफ्ट होकर फिर से नीचे आ जाएगा, मतलब यही का यही, तो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल हमें मिल जाएगा। ये है हमारा एनवलप डिटेक्टर, सबसे सस्ता रिसीवर होता है मॉड्यूलेशन में, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में AMFC में सबसे सस्ता रिसीवर होता है एनवलप डिटेक्टर। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 है, इसे बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 100% हो जाए, यानी कि 1 हो जाए, तो उस केस में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब अब इस सिग्नल को अगर हम पास करेंगे इससे एनवलप डिटेक्टर से, तो इसको किसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, क्योंकि वो तो एनवलप को फॉलो करने की आदत है इस सिग्नल को, तो इसको जब फॉलो करेगा तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा सिग्नल, ये तो हमने एक्चुअल बना दिया कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से हमें एक सिग्नल आउटपुट पे मिल जाएगा। ये भी सिग्नल देखिए यहां पे AC से ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो ये 0 होगा और ये 2, यहाँ पे समथिंग 2 AM के आस पास, हाँ AC और AM यहाँ पे इक्वल होंगे, तो चाहे AC लिख दो चाहे AM लिख दो, ये 0 हो जाएगा, ये 2 AM हो जाएगा, मतलब इसमें अभी कुछ DC कंपोनेंट है, क्योंकि हमें मैसेज सिग्नल तो किसकी चाहिए, X एक्सिस के ऊपर नीचे चाहिए, तो इसको भी एक फिल्टर से पास कर दोगे जो DC को ब्लॉक करे, सिंपल कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो अंडर मॉड्यूलेशन और 100% मॉड्यूलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनवलप डिटेक्टर बहुत ही आसानी से सिग्नल को रिसीव कर सकता है, सबसे सस्ता भी है, ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ रिसीवर की जरूरत होती है। अब बात करते हैं ओवर मॉड्यूलेशन की, अगर ओवर मॉड्यूलेशन हो जाता है तो मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म होगी ऐसी। अब एनवलप डिटेक्टर को कुछ नहीं दिखता है, वो तो सिंपली किसको फॉलो करता है, एनवलप को फॉलो करता है, जब एनवलप को फॉलो करता है तो अब उसे एनवलप कौन सा दिखेगा, ये वाला एनवलप दिखेगा, उसे नीचे से मतलब नहीं है, वो देखिए ऊपर वाले एनवलप को फॉलो कर रहा था, तो ऊपर वाले एनवलप को जब फॉलो करेगा तो कुछ इस टाइप का सिग्नल दिखेगा आउटपुट पे, अब इसको वो शिफ्ट भी करेगा तो भी कभी भी ओरिजिनल मैसेज सिग्नल हमें प्राप्त नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, एनवलप डिटेक्टर का। तो एनवलप डिटेक्शन में ये हमें ध्यान रखना होता है। अब एनवलप डिटेक्टर, डिटेक्टर तो लगा होता है रिसीवर एंड पे, तो हमें ध्यान क्या रखना है, जब हम मॉड्यूलेशन कर रहे हो तो मॉड्यूलेशन अगर हम कर रहे हैं और हमें पता है कि हम जहां ये सिग्नल भेजने जा रहे हैं वहां पे जो रिसीवर है वो एनवलप डिटेक्टर है, तो उस केस में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मॉड्यूलेशन कर रहे हो उस केस में कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड जो है वो मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड से ज्यादा रखें, कम ना रखें, अगर कम हो जाएगी तो एनवलप डिटेक्टर की सहायता से जो यूजर इस सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा उसे ओरिजिनल सिग्नल नहीं मिलेगा, ये वाली इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी उसकी, तो आपको ओरिजिनल सिग्नल उसको प्राप्त नहीं होगा, ये कहलाता है ओवर मॉड्यूलेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि एनवलप डिटेक्टर का एक ड्रॉबैक है और वो है ओवर मॉड्यूलेशन नहीं होनी चाहिए, अगर ओवर मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है तो उसको उससे ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त हमें नहीं होगा एनवलप डिटेक्टर की सहायता से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, वो डेरिवेशन आप भले ही पूरे डेरिवेशन पे फोकस ना करें लेकिन लास्ट का रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप एक बार पूरा देख जरूर लें क्योंकि उसे लोग रट तो लेते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है कि ये आता कैसे है। देखिए, हमने एक चीज आपको बताई थी कि जो इस कैरियर सिग्नल का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से ये जो टाइम कांस्टेंट है डिस्चार्जिंग टाइम जो RC की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कैरियर सिग्नल का टाइम पीरियड दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन, या आप बोलो कि RC शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल T। कैपिटल T क्या है, कैरियर सिग्नल का टाइम पीरियड जिसकी वैल्यू से डिस्चार्जिंग टाइम की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, वेरी वेरी भी ना हो, वैसे तो वेरी जितना ज्यादा होगा उतनी आसानी से अच्छा एनवलप डिटेक्शन होगा, लेकिन आप इसमें लिमिट आप इक्वल टू रख सकते हो कि इक्वल टू ऑफ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, बट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए।
यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान रखना है हमें कि जो टाइम डिस्चार्जिंग टाइम होता है, एक्चुअली आप लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ा होगा कि 3 dB बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 सीरीज RLC में होती है R अपॉन L, और टाइम कांस्टेंट जो होता है LR का वो होता है L अपॉन R। सिमिलरली पैरेलल रेजोनेंस में 3 dB बैंडविड्थ होती है कितना आपका 1 अपॉन RC, और टाइम कांस्टेंट होता है RC। तो हम देख रहे हैं कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर। तो यहां पे अगर हम इसको टाइम पीरियड से कंपैरिजन ना करें तो हम ये बोल सकते हैं कि शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिस्चार्जिंग टाइम है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 1 अपॉन कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से। ये एक लिमिट है हमारी जो कि हमें याद रखना है कि कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग टाइम है RC दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या हम ऐसे बोलें कि 1 अपॉन ओमेगा सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू RC, या इसी को हम ऐसे बोलें 1 अपॉन ओमेगा सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू टाउ। ये एक कंडीशन है। अब आप देखिए इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट इस कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है या डिस्चार्जिंग टाइम जो है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1 अपॉन ओमेगा सी। हम लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू टाउ की हो सकती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अब भैया कोई बोले कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ही तो कुछ ना कुछ होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू भी हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक्चुअली है क्या, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और वही वोल्टेज जो है वो क्या है, एक्चुअली एनवलप है। और हमें पता है कि जो हमारा आउटपुट आता है, जो एनवलप आता है, वो एनवलप सिंपली ये है 1 प्लस MA cos ωMT, क्योंकि इसको तो वो फिल्टर कर देता है। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज आपका जो आने वाला है वो ये आने वाला है, और यही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो जाए, माइनस साइन हो जाएगा, ओमेगा एम बाहर आ जाएगा, तो माइनस एम ए ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी। सिंपली हमें पता है कि चूंकि हमें डिस्चार्जिंग की जरूरत है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग इक्वेशन होती है वो हम सभी जानते हैं कि KE−T/τ कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इक्वेशन। चार्जिंग इक्वेशन आपको पता है कि यहाँ पे इस टाइप से आती है K × 1 − e−T/τ। कैसे पता चलता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, देखिए T = 0 पे हमें वैल्यू मिलेगी K, मतलब पहले से चार्ज था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा। यहाँ पे T = 0 पे e−T/0 1 हो जाएगा, तो 1 − 1 0, मतलब इनिशियली ये इसका वोल्टेज 0 है, दैट मीन्स ये डिस्चार्ज है, और फिर अब धीरे धीरे चार्ज होगा, तो ये चार्जिंग इक्वेशन कहलाती है, ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन। तो हमें डिस्चार्जिंग इक्वेशन अगर हम एक एज्यूम कर लें जहाँ पे K क्या है, इनिशियल वोल्टेज है, वो वही कि जैसे कि यहाँ इनिशियल वोल्टेज इतना था, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये −1/τ निकल आएगा बाहर, और K × e−T/τ जो है वो VCT ही है, तो इसकी जगह VCT रख दिया, और ये VCT वही है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो हमारा ये है। तो इस VCT की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सिंपली ये इक्वेशन पुट कर दी। अब आप देखिए ये भी डिफरेंशिएशन है, स्लोप है, ये भी स्लोप है VCT का, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, यहां पे इक्वल कर देते हैं। तो देखिएगा कि जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1 + MA cos ωMT/τ, दैट विल बी इक्वल टू MA ωM sin ωMT। ये हमारे पास आ गया। कर क्यों रहे हैं ऐसा, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने टाउ की मिनिमम वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और हमने मैक्सिमम मिनिमम में मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जिसकी भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दो। तो सिंपली हमें टाउ की पहले तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + MA cos ωMT/MA ωM sin ωMT। ये हमारी, इसको हम मान लेते हैं ये टाउ की वैल्यू आ गई। यहीं से अगर हम टाउ को डिफरेंशिएट कर दें dτ/dt और उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी साइन और कॉस की वो हम पुट कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि अब मैक्सिमम वैल्यू टाउ की क्या है, क्योंकि मिनिमम तो हम निकाल चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर हम देखें तो बहुत आसान है, F1 / F2 का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप सभी को आता है।
तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे, पहले नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम यहां से इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो, और नीचे वाले का स्क्वायर, हमें पता है ना एफ वन अपॉन एफ टू का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, कि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई होल स्क्वायर नीचे वाले का, इक्वल टू जीरो कर दिया क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा है, तो नीचे वाला तो जीरो में चला जाएगा, बचा रहेगा हमारे पास देखिए माइनस एम ए स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, पहला पार्ट। दूसरा यहां से देखेंगे तो हम बचेगा इसका, इसमें कर रहे हैं माइनस एम ए स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी, और एक और बचा रहेगा माइनस ये वन में जो मल्टीप्लाई होगा कितना एम ए ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ओमेगा एम टी दैट इज इक्वल टू जीरो। यहां पे देखिए माइनस एम ए स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा एम टी जिसकी वैल्यू वन होती है, और माइनस एम ए ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ओमेगा एम टी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम देखेंगे कि ये बचेगा माइनस एम ए स्क्वायर ओमेगा एम स्क्वायर इंटू वन दैट इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाते हैं तो बचेगा एम ए ओमेगा एम स्क्वायर कॉस ओमेगा एम टी। यहां से हम देखेंगे तो कॉस ओमेगा एम टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस एम ए ओमेगा एम स्क्वायर से ओमेगा एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एम ए स्क्वायर। तो अब आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि टाउ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहां से हम देखेंगे कि टाउ की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी वन एम ए, और कॉस की जगह रखो माइनस एम ए तो हो जाएगा माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन एम ए ओमेगा एम अंडर रूट ऑफ वन माइनस एम ए स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वन माइनस एम ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन एम ए ओमेगा एम अंडर रूट वन माइनस एम ए स्क्वायर, ये एक कैंसिल कर दीजिए तो आपको टाउ की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वन माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन एम ए इंटू ओमेगा एम। दैट मीन्स देखिए हम क्या बोल रहे थे अभी स्टार्टिंग में, हमने आपको बताया था कि डिस्चार्जिंग टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये एनवलप को फॉलो करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिससे कि वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया कि डिस्चार्जिंग टाइम की एक अपर लिमिट भी है, जिससे ज़्यादा हम डिस्चार्जिंग टाइम को नहीं रख सकते। दैट मीन्स अब हम बोल सकते हैं कि टाउ की लोअर लिमिट तो हो गई वन अपॉन ओमेगा सी, बट अपर लिमिट भी हमारे पास है कितनी अंडर रूट ऑफ वन माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन एम ए ओमेगा एम। दैट मीन्स हम यहां से बोल सकते हैं कि जो अपर लिमिट हमारी किसकी आर सी की अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो कितनी आ गई है वन अपॉन ओमेगा सी और अंडर रूट ऑफ वन माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन एम ए इंटू ओमेगा एम। एनवलप डिटेक्टर में ये दो कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब अब एनवलप डिटेक्टर में आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो ओवर मॉड्यूलेशन याद रखना है, और ओवर मॉड्यूलेशन के अलावा दूसरी चीज हमें कि ओवर मॉड्यूलेशन ना हो, एक तो ये याद रखना है, और दूसरा याद रखना है टाइम कॉन्स्टेंट की लिमिट। टाइम कॉन्स्टेंट की अपर और लोअर लिमिट पे भी हमें फोकस करना है। तो इस तरीके से ये हमारा एनवलप डिटेक्टर कंप्लीट हो गया। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट बाई वीडियोज़ की प्लेस की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक बाई वीडियोज़ की प्लेस की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।